हाय पलक, हैप्पी बर्थडे। क्या नाम है भाई? आप कैसे हो? पलक विनर बिग बॉस, सिस्टम जीत गया। बाइट में पूछेंगे ना भाई, पहली बार ऐसे हम सब लोगों को, बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि अगर हम वाइल्ड कार्ड में जाएंगे जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, तो इस बार एटलीस्ट वो चीज ब्रेक हो चुकी है एंड डेफिनेटली एल्विस ने उतना दमदार गेम खेला है। चल अंदर जाके जगह पकड़ना है, आजू बाजू पे अभी इधर ही, पहले इधर। अरे देखो कैमरा देखो भाई, आ जा सबके सामने आ जा। संजीत घूम जाओ ना थोड़ा, संजीत बीच में आ जा, आ जा, आ जा। चल 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 चलो 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 चलो, गाइस मूव मूव मूव। आकांक्षा के साथ टाइम स्पेंड करना, मेरी सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स जब रात को हम लोग बैठते थे, गप्पे मारते थे एंड हाँ छोटी छोटी चीजें, जिया के साथ रियूनियन होना मेरा, काफी वो भी काफी अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। नए दोस्त काफी बनाए, मैं आशिका को भी मिली अभी ग्रैंड फिनाले में, शी इज अ वेरी स्वीट गर्ल। यही अफसोस है कि एल्विस से मिल नहीं पाए क्योंकि वो वाइल्ड कार्ड में आए थे, तो उनसे उतनी सॉलिड मुलाकात हो नहीं पाई, बट डेफिनेटली जितना भी मैंने उन्हें देखा, he came across as a very genuine guy to me, dil se bahut hi genuine and definitely mujhe Abhishek aur Elvis se talk to me birthday ko leke baat hua tha Elvis se, baat hua tha actually kiya stage mein hum mile, maine wohi Elvis se matlab thoda bahut interaction hua, zyada utna hua nahi paya, but yeah बर्थडे 12th अगस्त को था, बट मैं जेन्युइनली चाहती थी कि सब लोग आ पाए मेरे बर्थडे पे एंड ग्रैंड फिनाले के बाद ही सेलिब्रेशन सिम भाई, सो यस इसीलिए आज मैं एक छोटी सी पार्टी कर रही हूँ अपने दोस्तों के लिए, फैमिली फ्रेंड्स के लिए। आज मैंने अपना थीम अर्दी रखा है, लाइक कलर पैलेट रखा है व्हाइट बेज एंड ब्राउन, तो जितने भी आपको आज कलर्स दिखने वाले ये तीन ही दिखेंगे। बोल भाई, चलो बाद में बात आ रहे हैं, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। व्हाइट बेज एंड ब्राउन, सो यार टू टाइम टाइम मेरी फ्रेंड की पुनीत की जगह है, सो रूफटॉप लोगों ने नया अभिषेक अभी गए डिस्चार्ज हुए, इज गोइंग बैक, टेल अस समथिंग अबाउट अभिषेक, उनसे मुलाकात हुई आपकी? आज सुबह ही उनसे बात हुई, मैंने उनसे वही पूछा आप कहाँ एडमिट हो, आपको कुछ भी मुंबई में लगता है तो प्लीज लेट मी नो। उन्होंने मुझे वही कहा अगर मैं ठीक होता तो पक्का आता, बट जब मैं नेक्स्ट टाइम बॉम्बे आऊंगा हम डेफिनेटली जम के पार्टी करेंगे, तो आज वो अभी निकले ही हैं दिल्ली के लिए, सो डेफिनेटली आई बी इन टच विद हिम। आई थिंक इज अ वेरी जेन्युइन गाय एंड मुझे पता है एक मैंने दोस्त डेफिनेटली कमाया है शो से, वो है अभिषेक, सो डेफिनेटली हम टच में रहेंगे एंड अगर मेरा दिल्ली जाना हुआ या वो बॉम्बे आएंगे तो हम एल्विस से मुलाकात हुई आपके? एल्विस से मुलाकात नहीं हुई, माय ब्रदर एक्चुअली मेट हिम लास्ट नाइट एंड उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, बट डेफिनेटली मैं उनसे मिलना चाहूंगी बिकॉज ही केम अक्रॉस एज अ वेरी जेन्युइन गाय टू मी, सो कभी मौका मिला तो डेफिनेटली मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे बाय माय फ्रेंड ओशियाना अंबानी, वो निकाल देना वो छोटा क्लिप क्या है।